मुगरा बादशाहपुर नगर पालिका परिषद के निवर्तमान चेयरमैन शिव गोविंद साहू ने कहा कि भाजपा मेरे ऊपर विश्वास करके टिकट देती है तो भाजपा का झंडा फहराऊंगा। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की तिथि जारी होते ही जहां लगभग सभी दलों के भावी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत की दावेदारी अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने करने में लगे हुए हैं, वहीं मुगरा बादशाहपुर नगर पालिका परिषद के निवर्तमान चेयरमैन शिव गोविंद साहू भी अपनी जीत की दावेदारी पेश कर रहे हैं। सबकी नज़र से बातचीत के दौरान नगर पालिका परिषद मुगरा बादशाहपुर के निवर्तमान चेयरमैन शिव गोविंद साहू ने कहा कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व यदि मेरे ऊपर दोबारा विश्वास जताकर अध्यक्ष पद हेतु टिकट देती है तो दावे के साथ कहता हूं कि मुगरा बादशाहपुर में पुनः भाजपा का झंडा फहराएगा। एक सवाल के जवाब में शिव गोविंद साहू ने कहा कि मेरे कार्यकाल में जो विकास की गति चल रही थी यदि दोबारा चेयरमैन बना तो नगर के साथ साथ ग्रामीणों में भी बेहतर विकास कराऊंगा। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और कमल खिलेगा। क्या कहा सबकी नज़र से बातचीत के दौरान नगर पालिका परिषद मुगरा बादशाहपुर के निवर्तमान चेयरमैन शिव गोविंद साहू, आप स्वयं सुन लीजिए। पेश है सबकी नज़र के लिए सर्वेश तिवारी के साथ यशस पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नज़र, मैं हूँ यशस पांडे। आज हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद है निवर्तमान चेयरमैन शिव गोविंद साहू जी, मुगरा बादशाहपुर का चेयरमैन रहे हैं और इस समय चुनाव का बिगुल बज गया है। सभी पार्टी के लोग अपने अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं। आइए बात करते हैं कि क्या तैयारी आपकी है चुनाव। पहले मैं आपको पांडे जी धन्यवाद देता हूं। देखिए, चुनाव को लेकर कल सूचना भी जारी हो गई है। प्रथम चरण में हमारे जिले में 4 मई को चुनाव होना है और चुनाव की हमारी पूर्ण रूप से तैयारी है। पार्टी के टिकट का हम लोग को इंतजार है। पार्टी जो ही टिकट की घोषणा करती है सारे के सारे लोग फील्ड में उतर जाएंगे। और इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे परिवार पर, हमारे बड़े पिताजी पर 3 बार भरोसा किया, पार्टी ने टिकट दिया। 15 साल हमारे बड़े पिताजी चेयरमैन रहे, पुनः 2017 में पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा किया, फिर हमने पार्टी का परचम लहराया और आगे भी मैं पार्टी के ऊपर पूर्ण विश्वास करता हूँ। पार्टी हमें टिकट देगी और पूर्ण रूप से मैं पुनः पार्टी का जो है झंडा लहराऊंगा और एक भारी बहुमत से मैं चुनाव जीतकर पुनः आऊंगा नगर पालिका में। चेयरमैन साहब, अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, आपका मुकाबला किस दल से है? देखिए, हमारे मुकाबले में कोई दल नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है। हमारी सरकार हमेशा जन कल्याणकारी भावना से काम करती है। कहीं भी हमारी पार्टी के सामने कहीं भी कोई दल टिकने वाला नहीं है। और हमेशा मुगरा नगर पालिका में, आप भी यहीं के निवासी हैं, आप भी देख रहे होंगे, अभी तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता चला आएगा। आगे भी भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा यहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी का ही अध्यक्ष यहाँ पे बनेगा। क्या पूर्ण विश्वास के साथ आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में है, तो नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? यस, निश्चित रूप से हमारे नगर पालिका मुगरा बादशाहपुर में, मैं नगर पालिका मुगरा बादशाहपुर की बात नहीं, मैं पूरे जनपद की, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं कि बहुत अधिक संख्या में इस बार हमारा पार्टी चुनाव जीतने जा रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे निकाय में लगभग 75% हमारे भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन होने जा रहे हैं इस बार। चेयरमैन साहब, बात करते हैं अगर चुनाव को लेकर, जहां आपने कहा भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, एक एजेंडे की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्या कोई नया कोई एजेंडा नगर पालिका निकाय चुनाव के लिए तैयार किया है क्या? देखिए, अभी मैं 5 साल 2017 से लेकर 2022 तक मैं चेयरमैन रहा और उसी बीच कोरोना जैसी महामारी का भी जन्म हुआ, तमाम कठिनाइयां भी हुआ। इसके बावजूद भी हमने विशेष रूप से जो पहले नगर पालिका में जो सुविधाएं नहीं थी उन तमाम सुविधाओं पर हमने काम किया है और ऐसे तमाम आधुनिक उपकरण थे जो मैं पालिका में ले आया हूं। और मेरा एक मिशन था, जो सरकार की भी सोच है, केंद्र सरकार की सोच है, प्रदेश सरकार की सोच है, हमारा देश स्वच्छ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, जिसके तहत हमने नगर पालिका में भी काम करने का प्रयास किया है। नगर की बहुत बड़ी समस्या थी कूड़े की समस्या, जिसको दूर करने का हमने पूरा प्रयास किया। उकनी जैसे ग्राम सभा में पूरे 13 बीघे जमीन के पूरी बाउंड्री वॉल हमने करवाया, वहां पे MRF सेंटर भी बनके तैयार हो गया। आगे हमारे एजेंडे में है कि वहां पे हम उस बाउंड्री वॉल के अंदर रिसाइकलिंग प्लांट लगाकर उस कूड़े, जो कूड़ा यहां से जाता है,
आजकल तमाम ऐसे आधुनिक उपकरण आ गए हैं, आधुनिक सोच है, वैज्ञानिक सोच है कि हम कोई भी चीज वेस्ट ना होने दें। हम अपने इस नगर पालिका नगर से उत्पन्न होने वाले या इकट्ठा होने वाले कूड़े से भी एक बड़ी संख्या में और एक बड़ी आय नगर पालिका के लिए स्रोत बनाने का पूरा हमारा संकल्प है। वहां हम रिसाइकिलिंग प्लांट लगाएंगे, कई लोगों को रोजगार मिलेगा और ऐसे पालिका को एक बड़ी आय की व्यवस्था होगी। जो भी उसमें खाद जो मटेरियल निकलता है कुछ बिकेगा, कुछ का जैविक खाद बनेगा, ऐसी हमारी सोच है। तमाम ऐसे जो हमारे विस्तारित क्षेत्र हैं उस पर भी हमारी सोच है कि जिस तरह से हमने नगर को सजाने का काम किया, जिसे आप देखे होंगे पूरे नगर में LED लाइट हो गया और तमाम जगह शौचालय की व्यवस्था हो गई, तमाम जगह RO की व्यवस्था हो गई, अच्छी अच्छी सड़कें बन गई, इसी तरह पूरे विस्तारित ग्राम सभाओं में भी मैं पूरी तरह से काम करने का मेरा संकल्प है, मैं करूंगा। और अभी हाल ही में हमने एक मिशन पे काम किया था, जैसे सीमा विस्तार पे काम किया, वो भी हमें सफलता मिली। पूरे विस्तारित क्षेत्र में और नगर पालिका क्षेत्र में जो पुरानी पाइपलाइनें थी उस पर हमने प्रस्ताव बना के शासन में भेजा था। अभी 2-3 दिन पहले 2,43,00,000 रुपए की स्वीकृति हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया और वो फंड नगर पालिका में आ भी चुका है, स्वीकृत हो चुका है। और ये बहुत बड़ा मिशन था जिसपे हमें सफलता मिली है। अगर पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास किया तो जिस मिशन को मैं लेकर चल रहा हूं उसको बहुत आगे ले जाऊंगा। चेयरमैन साहब, आपने अपने कार्यकाल में बहुत से कार्य को आपने किया, आप लोग उपलब्धियां भी आपने गिना दिया है, तो ग्रामीण क्षेत्र भी आपके कार्यकाल में विस्तारित हुआ, ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़ गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र प्लस नगरवासियों के लिए क्या कुछ संदेश चुनाव को लेकर के देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं अपने नगरवासियों को, ग्रामवासियों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके पहले 2017 में उनका बहुत ही अच्छा हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा, पूर्ण समर्थन रहा, अच्छी मतों से उन्होंने लगभग हमें 1,500 वोटों से विजयी बनाया और अब हमारे 12 ग्राम सभाएं जुड़ी हैं। सभी से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है, एक बार मुझे पुनः एक बार आशीर्वाद दें। ऐसे ऐसे कार्य मेरे दिमाग में चल रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्य हैं, आपको लगेगा कि हाँ, नगर पालिका में जुड़ने के बाद हमें कितना सुख सुविधा मिल रहा है, कितना लाभ मिल रहा है। अभी आप ग्राम सभाओं में थे, कई ऐसे विकास कार्य थे जिससे आप वंचित थे। आपने देखा होगा हमारे नगर में एक छोटा सा कस्बा था, हमारा नगर पालिका क्षेत्र, हमने अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री योजना के तमाम ऐसे लाभ, जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, अपने पूरे नगर में हमने लगभग हजारों गरीब परिवारों को जो पात्रता की सूची में थे उनको हमने अपने माध्यम से, माननीय केंद्र सरकार की योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, लगभग हजारों परिवारों को आवास योजना देने का काम किया है। आज जो हजारों लोग छत पा गए हैं वो हमारी सरकार की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है, जिसपे हम लोगों ने पूरा काम किया है। और ऐसे तमाम ऐसे योजनाएं हैं जिस पर जो है गरीब परिवार जो ठेले रेहड़ी वाले हैं उनको हमारी सरकार 20,000-10,000 की लोन दे रही है, जिसके पास फंड नहीं है उस पर काम कर रहे हैं लोग। ऐसे हजारों लोगों को हमने इस तरह का जो है कि PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत हजारों लोगों को लोन दिया है, जो आज एक अच्छी कमाई कर रहे हैं और धीरे धीरे अपना किस्त भी जमा कर रहे हैं। ऐसे तमाम कार्य हैं। तो अभी आपने देखा किस तरीके से निवर्तमान चेयरमैन शिवगोविंद साहू नगर पालिका मुगराबाद साहपुर, आपने कहा कि अपने कार्यकाल में हमने कार्य अच्छा किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और तमाम योजनाएं लागू किया गया, और इस बार यदि भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करके और टिकट देती है तो जो काम अधूरा पड़ा हुआ था, जो काम मिशन को लेकर के चल रहे थे, उस मिशन को आगे तक ले जाएंगे, नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में चौकी विकास कराएंगे। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं यशस पांडे, मुगराबाद साहपुर, जौनपुर। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ एथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रमाणिकता है।